रियल फैक्ट्स डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सब्जियों की। दोस्तों, इस हफ्ते हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं हर रोज़, वह लोग बीमारियों के शिकार कम होते हैं। जब भी आप अपना प्लेट सजाए खाने के लिए, तो उस पे 80% सब्जियां दिखनी चाहिए। सब्जियों से हमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट मिलते हैं। कुछ और सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, टमाटर और लहसुन हमारी सेहत को अधिक मात्रा में फ़ायदा देती है। इन्हें सुपर फूड के तौर में भी जाना जाता है। पोटेशियम हमारे जिस्म में हेल्दी खून बनाता है। फोलेट उस खून को हमारे जिस्म में मेंटेन करने में मदद करता है। सब्जियों में जो ताकत होती है वो हमारे जिस्म को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। एक अच्छा मील जिसमें बहुत सारी सब्जियां हो, खाने से बीमारियों के चांसेस घट जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़। डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि 1 से 4 कप सब्जियाँ खानी चाहिए हर रोज़। ज़्यादातर सब्जियाँ फैट और कैलोरी फ्री होती है। विटामिन ए हमारी आँखों और त्वचा को हेल्दी रखती है और मदद करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हमें ना लग सके। विटामिन सी भी ज़ख्म को हमारे जिस्म में भरने में मदद करती है, और विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत रखती है। विटामिन सी हजम करने में मदद करता है। यहाँ मैं सब्जियों की कुछ नई और मज़ेदार फैक्ट्स बताती चलूँ। अगर आपको अनियन काटते समय आंसू नहीं बहाने, तो एक ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में डालकर अनियन काटें। आलू वह पहली सब्जी है जो स्पेस में उगा था 1996 में। आलू का प्लान स्पेस में ले गए थे स्पेस शटल कोलंबिया के सहारे। बैंगन एक और नाम से जाना जाता है, और वह है क्रेजी एप्पल। इटली में ये माना जाता था कि ज़्यादा बैंगन खाने से लोग पागल हो जाते। पत्ते गोभी यानी कि कैबेज पकाने के समय हमें एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना जाता है कि कैबेज का टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। एक समय था जब मजदूरों को मूली तनख्वाह यानी कि सैलरी के रूप में दी जाती थी। दोस्तों, अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि फ्रोज़न सब्जियां होती है तो वह उनमें इतनी विटामिन नहीं होती है, या वो पूरी तरह से न्यूट्रिशंस नहीं दे पाती है हमें। पर ऐसा नहीं है। साइंस का कहना है कि फ्रोज़न और फ्रेश सब्जियां दोनों एक के बराबर हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो ही वेल्थ है। इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें। मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। सी यू।